हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, -1/5 रेज टू पावर -2, कर्ली ब्रैकेट के अगेन पावर 2, एंड देन क्रॉस और स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू पावर -1। अब बच्चों, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले एक्सपोनेंट के कंसेप्ट को समझो। अब बच्चों, हमारा एक्सपोनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए रेज टू पावर एन ओ एंड देन फर्दर पावर एम ओ, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई। ये क्या कहती है, हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, अगर ए ओवर बी एनी रैशनल नंबर्स है और उसकी पावर एन है, तो ये पावर क्या हो जाती है, स्प्लिट। यानी कि न्यूमिनेटर की पावर अलग से एंड डिनोमिनेटर की पावर अलग से। अब बच्चों, इन दोनों कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई। अब बच्चों, एज पर फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब यहां पर क्या गिवन है, कर्ली ब्रैकेट के आउटसाइड 2 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड के -1, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप, अगर बेस हमारा क्या है, सेम। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, -1/5 रेस टू पावर -2, कर्ली ब्रैकेट, अब ये दोनों पावर्स क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई विद -1, दैट इज इक्वल टू -1/5 रेस टू पावर -2। अब कर्ली ब्रैकेट के आउटसाइड क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद -1, दैट इज -2। अब बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये बेस क्या है, -1/5, देन इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी एज पर फर्स्ट लॉ, आपस में मल्टीप्लाई, सो वी गेट -1/5 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई विद -2, दैट इज इक्वल टू, अब बच्चों -2 × -2 क्या होता है, +4, दैट इज -1/5 रेज टू पावर 4। अब बच्चों, यहां पर एज पर सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ये पावर 4 क्या स्प्लिट हो जाएगी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो वी गेट -1/4/5/4। अब बच्चों, अगर -1 की पावर इवन हो, तो ये -1 क्या हो जाता है, +1, सो वी गेट 1/ और 5/4 कितना होता है, 625, दैट इज योर आंसर। हो बच्चों, आपको ये कंसेप्ट और ये एग्जाम्पल दोनों क्लियर होगी होंगी। अगर बच्चों ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।